अगर कोई ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोलता है या फिर वो एक गोरखा है। गोरखा न सिर्फ दोनों वर्ल्ड वॉर्स में लड़े हैं बल्कि आजादी के बाद से भारत के हर सैनिक अभियान में इनका बड़ा योगदान रहा है। इन्हें बहुत सारे वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं जिनमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र भी शामिल हैं। गोरखा आमने सामने की लड़ाई में माहिर होते हैं और इनकी खुखरी दुश्मन का काम तमाम कर देती है। आयो गोरखाली मतलब है आ गए गोरखा। ये हुंकार सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है भले ही वो दुनिया के किसी भी देश का हो। सीने में आग भरे और हाथ में फौलाद थामे हर गोरखा सैनिक जंग के 21 प्राणघातक मूव सीखता है जो सदियों से चले आ रहे हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो कई पीढ़ियां पार करके 21वीं सदी तक चली आई है। ये जब स्लैशेस, स्टैब्स, कट्स और फुटवर्क की प्रैक्टिस करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे तबाही का तांडव कर रहे हो। इन मूव्स की बदौलत ही ये गोरखा वीर किलिंग मशीन माने जाते हैं। खुखरी गोरखा युद्ध परंपरा की जान है। कई सौ साल से खुखरी हाथों से ही बनाई जा रही है। गर्म दहकते लोहे को पीट पीट कर आकार दिया जाता है। इसके बाद इसे वो खास कर्व दिया जाता है जिसकी बदौलत खुखरी दुश्मन के लिए काल बन जाती है। आखिर में इसे ग्राउंड करके पॉलिश किया जाता है। बेहद तेज धारदार खुखरी कारीगरी का बेमिसाल नमूना है। इक्कीसवीं शताब्दी की इन्फेंट्री टेक्निक्स और आधुनिक हथियारों के बावजूद गोरखा बहादुरों की घातक खुखरी हमेशा उनका सबसे भरोसेमंद हथियार होती है। इस प्लटून पर भारी गोलीबारी हो रही है। दुश्मन ने ऊंची जगह पर मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में उसे जवाब दे पाना आसान नहीं है। लेकिन हमले का ऑर्डर मिलते ही गोरखा जांबाज आंधी तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। जख्मी भाइयों की देखभाल बाद में की जाएगी। पहले दुश्मन का काम तमाम करना है और यह काम तो किसी भी कीमत पर होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब होगा जानलेवा हमला। खुखरी का सटीक वार। गोरखा दुनिया के सबसे खतरनाक वॉरियर्स में से एक।